वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद तेजस्वी। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ ग्लोबल विपासना पैगोडा में, जो बोरीवली में है एंड ये सेवन वंडर्स ऑफ महाराष्ट्र में से एक है। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर जाने के मल्टीपल वेज है। एक है आप ट्रेन से आ सकते हो बोरीवली तक, देन बोरीवली से ऑटो या फिर बस करके आपको गोराई तक जाना है। गोराई से फेरी लेके वापस ऑटो करके आप पैगोडा तक जा सकते हो। सेकेंड वे है, अगर आप बस से जाना चाहते हो तो आपको भाईंदर रेलवे स्टेशन उतरना है एंड देन वेस्ट से आपको बस मिल जाएगी पैगोडा तक। देन थर्ड वे है, आप आपके प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हो, तो उसके लिए भी आपको मीरा भाईंदर से होकर ही जाना पड़ता है। अब इफ अगर आप आपके प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो तो ये है इसका पार्किंग एरिया। रोड साइड ही आपको पार्क करना है एंड यहाँ पर कोई भी पार्किंग चार्जेस नहीं है। तो ये है ग्लोबल विपासना पैगोडा एंड ये है इसका मेन गेट। इसे म्यांमार गेट ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ का टाइमिंग है 9 AM to 6:30 PM एंड यहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। इफ़ आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपका सिक्योरिटी चेकिंग होगा, बैग चेकिंग होगा एंड उसके बाद ही आपको अंदर भेजेंगे। अब सबसे फर्स्ट ऊपर जाते टाइम यहाँ लेफ्ट में है एक बड़ी सी बेल जिसका आवाज़ आप सुन सकते हो। ये हर विपासना सेंटर में टाइम की याद दिलाने के लिए इस बेल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग में उठने का टाइम होगा, देन लंच टाइम, मेडिटेशन टाइम, उस टाइम पे ये बेल जो है वो बजाया जाता है। अब यहाँ से चलेंगे ऊपर मेन डोम देखने। ये कुछ अराउंड 5,600 मीटर में फैला हुआ है और यहाँ 8,000 लोग एक टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ये काफी बड़ा है। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा पिलरलेस है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1997 में और 2009 में ये खत्म हुआ। एज ये पिलरलेस है, इसे बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग से बनाया और इसलिए इसे 11 ईयर्स लगे कम्प्लीट होने में। यहाँ अंदर एंटर करते ही बहुत ही पॉजिटिव एंड रिलैक्स फील होता है। इस प्लेस को श्वेडागोन पैगोडा, जो कि म्यांमार में है, उस प्लेस की कॉपी ऐसा भी कहा जाता है। अब जो लोग 10 डेज विपासना पूरा कंप्लीट करते हैं उन्हें यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन है। वो वन डे जाकर यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, बाकी हमारे जैसे टूरिस्ट जो है वो इसे बाहर से सिर्फ देख सकते हैं। आप बाहर के कुछ स्पॉट्स देखेंगे। यहाँ पर ये है व्हील ऑफ धम्मा गार्डन, जिसे धम्मा चक्र ऐसे भी कहा जाता है। इसके लेफ्ट साइड में कैंटीन है जहाँ आप कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हो एंड राइट में है एम्पी थिएटर रंगभूमि, जिसके अगर आप टॉप में देखोगे तो वहां पर कुछ देवताओं की मूर्ति भी है। आफ्टर दैट ये है श्री सत्यनारायण गोयनका एंड श्रीमती इलायची देवी गोयनका जी, ये मेडिटेशन टीचर्स थे। उनकी यहाँ सुंदर स्टैचू बनाया गया है एंड उन्हीं के पीछे यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है जहाँ छोटे बच्चे खेल सकते हैं। देन जल देवता है, यहाँ फिश पॉन्ड है और लोटस गार्डन है। ऑल्सो आप यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स भी कर सकते हो। उसके बाद ये है अशोका पिलर। यहाँ पर जितने भी स्पॉट्स है देखने जैसे वो काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड इफ अगर आप इनके बारे में एकदम डिटेल में जानना चाहते हो, इसकी हिस्ट्री के बारे में प्रॉपरली एकदम जानना चाहते हो, तो ये आप यहाँ पर सिंबल्स जो देख रहे हो हेडफोन्स का, तो आपको इसका ग्लोबल विपासना पैगोडा का जो ऐप आता है वो इंस्टॉल करना है एंड देन उसके अंदर आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी में आपको इसकी हिस्ट्री जो है वो मिल जाएगी। आप वो ऑडियो में भी सुन सकते हो, ना ही सिर्फ रीड कर सकते हो। To the global Vipassana Pagoda, a monument to peace and harmony, with the world's largest unsupported stone dome. और ऐसे ही देखते देखते आप इस पूरे डोम का एक पूरा राउंड मार सकते हो। इसके दोनों भी साइड दो छोटे पैगोडास है, दैट इज दक्षिण एंड उत्तर पैगोडा। तो ये आपको सिर्फ बाहर से ही देखने मिलते हैं, इसके अंदर हमें जाने नहीं मिलता है। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे। नीचे उतरते टाइम लेफ्ट में ही है पेंटिंग गैलरी, जहाँ पर अंदर काफी सारे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है जो आप देख सकते हो। एंड अगर उसके और थोड़ा आप नीचे आओगे तो उसके नीचे है नगाड़ा, जिसे गोंग टावर कहते हैं। ये जो सर्कुलर शेप गोंग और ड्रम ऑफ धम्मा है वो ग्लोबल विपासना सेंटर को कुछ थाईलैंड के मेडिटेटर्स ने डोनेट किया था। अब ये सारे ऊपर के स्पॉट्स देखने के बाद हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट करते टाइम आपको शॉप से ही एग्जिट करना होता है, तो उनका एक यहाँ पर प्रॉपर शॉप है जहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़ें जो है वो ले सकते हो।
अब नीचे आने के बाद नीचे और भी छोटे मोटे स्पॉट्स है, लाइक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, एंड गौतम बुद्ध का स्टैचू है तो वो भी आप देख सकते हो। सो गाइज, ये था ग्लोबल विपासना पैगोडा। बहुत ही रिलैक्सिंग एंड पीसफुल प्लेस है ये। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ। इफ अगर आप यहाँ पे आते हो 10 डेज का विपासना कोर्स वगैरह करना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप उसका बुकिंग वगैरह कर सकते हो, और एल्स आप यहाँ पे 1 डे एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हो एज ए टूरिस्ट मेरे तरह। एंड उसी के साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। एंड आप और किस टाइप की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।